ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और हो सके तो फॉर्मूला रजिस्टर में घर जाके इसकी सारी एंट्री कर लेना। मेंस और नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन इतनी बार आए हुए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे आप सेंटर और मास की, और वो क्वेश्चन ये देगा। क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर। देखो, अगर हेमीस्फेयर है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके सेंटर पे। पर हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास जमीन से थोड़ा ऊपर होगा, कितनी ऊपर होगा? 3r/8। ये याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट है हाफ रिंग। देखो, कंप्लीट रिंग होती है सेंटर ऑफ मास सेंटर पे। वो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, कोई ऐसी फिगर बोलो जिसका सेंटर ऑफ मास उसके अंदर लाई नहीं करता, बाहर लाई करता है। और रिंग, एक कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है, सेंटर पे बिल्कुल भी मास नहीं होता। लेकिन सेमी सर्कल है ये, ऐसे ग्राउंड पे ऐसे पड़ा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होगा, कहाँ पर? 2r/π पे। सॉलिड कोन, सॉलिड का अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जमीन से h/4 है, लेकिन मेंस वालों ने वर्टेक्स से पूछा हुआ है, h में से h/4 माइनस करके 3h/4 आंसर मार्क करना है। हॉलो कोन का खाली पड़ा है तो h/3 पे है। आधी डिस्क है भरा हुआ है, एरिया बाय डिस्ट्रीब्यूशन है 4r/3π है, और हॉलो हेमिस्फेयर का r/2 है। अगर कोई देखना चाहता है कि ये कैसे निकले, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, 1.5 घंटे का लेक्चर है, मैं अपलोड करूंगा, ऑप्शनल वीडियो है। कोई देखना चाहता है, एडवांस की तरफ जाना चाहता है, देखो वो आपको देखना चाहिए। उसके अंदर इसके एलिमेंट्री पोर्शन है, कोन के अंदर कोन कैसे बना, मल्टी मल्टीपल छोटी बड़ी रिंग से, बड़ी रिंग छोटी रिंग छोटी रिंग छोटी रिंग, इसको कैसे सॉल्व किया। लेकिन मेंस के लिए नो, नीट के लिए नो, और एनसीईआरटी के लिए भी नो। ऑप्शनल वीडियो टोटल देख लेंगे तो भी ठीक, नहीं देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोन के ऊपर नॉर्मल प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर मैंने 1.5 घंटा सॉल्व की हुई है, सिर्फ एक HC वर्मा की बुक है जो इसके सोल्यूशन देती है, मैंने वहीं से पूरा कोर्स करवा रखा है। देखना चाहे अपनी कॉपी में नोट कर ले, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कुछ सीख ही लेंगे। अदरवाइज मेंस वाले सिर्फ ये फॉर्मूला तक ही पूछते हैं, इसका प्रूफ नहीं आता और नई फिगर बिल्कुल भी नहीं पूछते। तो प्लीज़ इसे अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लेना, ठीक है।